एम्प्लॉयज एसोसिएशन की ओर से करनाल के पुरानी अनाज मंडी स्थित सैनी धर्मशाला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड में यूनिवर्सिटी चलाकर लोगों को रोजगार मुहैया कराने वाले मदन कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने संबोधित करते हुए समाज के लोगों को आगे बढ़ने का संदेश दिया। इस मौके पर सैनी समाज की ओर से विभिन्न सरकारी क्षेत्र में उच्च पदों पर कार्यरत गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की। सैनी समाज एम्प्लॉयज एसोसिएशन द्वारा यह कार्यक्रम समाज को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाने में सहयोग देने में व वेलफेयर के कामों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करने वाले लोगों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में समाज से जुड़े बड़ी संख्या में पुरुष व महिलाएं मौजूद रहे। पीछे से भी कि हमारे समाज के लोग बहुत ही बिखरे हुए हैं, तो इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं वो समाज में एकता पैदा करने का काम करते हैं। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि समाज के बच्चों के लिए और समाज के लोगों के लिए जितना हो सके मैं उनके विकास में सहयोग करूं और उनको आगे बढ़ने के लिए जो भी मेरी तरफ से सहायता हो पाएगी मैं वो करूँगा। आज सैनी एम्प्लॉय एसोसिएशन हमारी एक संस्था है करनाल में, जो हमारे जो एम्प्लॉय हैं समाज के उन्होंने मिलकर बनाई है समाज के वेलफेयर के लिए, आम आदमी के वेलफेयर के लिए, और उसका आज एक सम्मान समारोह हमने आयोजित किया है। जो सैनी समाज के ऑफिसर हैं या जो किसी अच्छी काम किया है जिन्होंने, उनको सम्मानित करने का आज हमने ये प्रोग्राम रखा है, जिसमें आज के मुख्य अतिथि हमारे मदन कुमार जी, जिन्होंने झारखंड स्टेट में एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की है अपने बल पे, छोटे से जगह से उठ के, और आज एक इतनी बड़ी संस्था इन्होंने खड़ी कर दी है जहाँ पे हजारों लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, सैकड़ों लोगों को रोजगार मिला हुआ है, और हमारे बच्चों को, समाज को, पूरे डिस्ट्रिक्ट को, पूरे हमारे राज्य को और पूरे देश को जिसका फायदा मिलने जा रहा है। क्या आज ये सब एक हमारे समाज की तरफ से एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में का मुख्य उद्देश्य हमें अपने समाज की छोटी छोटी जो कुरीतियाँ हैं उनको सुधारना है और उनको आगे बढ़ाना है। इस विषय को लेकर हमने एक मंच तैयार किया है, तो इस मंच के माध्यम से ही हमने एक आज छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें हमारे समाज के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जिनको आज हम सम्मानित कर रहे हैं, ताकि उनकी वजह से और उनके सहयोग से एक हमारे समाज के बच्चे, हमारा समाज आगे बढ़ सके और उनके मार्गदर्शन में और मार्ग तक प्रगति करे। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, world class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting, a perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. aise hi latest khabar paane ke liye bell icon ko click kar hamare channel ko like, share and subscribe kare. dhanyawad.